हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अजय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रेड बटन के साथ और बेल आइकन के साथ ऑन करें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। शुरू करेंगे आज के 7 अगस्त के करंट अफेयर के साथ, क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, महाराष्ट्र में मिशन शक्ति स्पोर्ट्स पहल की शुरुआत किस अभिनेता ने की थी? तो वो की है आमिर खान ने। किसने? अभिनेता ने आमिर खान ने। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने मिशन शक्ति के लॉन्च समारोह में भाग लिया, जो कि ओलंपिक की तरह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए चंद्रपुर और गढ़चिरौली से एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की एक पहल थी। ये किसकी पहल थी? यह पहल थी सुधीर मुनगंटीवार की, जो कि महाराष्ट्र के मंत्री और इसके लिए चंद्रपुर और गढ़चिरौली से एथलीटों को प्रशिक्षित के लिए बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन है, किस प्रदेश के गृह राज्य मंत्री ने दंगन नियंत्रक वाहन वरज को हरी झंडी दिखाई है? तो वो दिए अरुणाचल प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने वरज जो दंगा नियंत्रक वाहन है उसको हरी झंडी देकर शुरुआत की है। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम है बंगा फ्लिक्स। क्या नाम है? उनका नाम है बमांग फ्लिक्स ने इटानगर से पुलिस मुख्यालय से 5 विरोधी दंगा पुलिस वाहन को हरी झंडी दिखाई है, जिसे वर्ज के रूप में भी जाना जाता है। वर्ज में त्वरित प्रतिक्रिया के साथ विशेष सुविधा है, आंसू गैस के लिए समत मल्टी बैरल लॉन्चर, 12 व्यक्तियों की क्षमता व दंगाई भीड़ में लंबे समय तक बैटरी बैकअप के साथ है। और अरुणाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री उनका नाम है पेमा खाड़ू और वहाँ के जो प्रदेश के राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश के उनके नाम है BD मिश्रा। क्या नाम है? BD मिश्रा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय यानी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया है? तो वो है रोहित शर्मा। कौन? भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 में सर्वाधिक छक्का रिकॉर्ड है वो तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो दूसरा T20 है उसके अंतर्राष्ट्रीय में अपनी 67 रन की पारी के दौरान 3 छक्के लगाए और इसी बीच क्रिस गेल के रिकॉर्ड को भी उन्होंने तोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर चार है, उस क्रिकेटर कमेंटर का नाम थे जिसका हाल ही में भी निधन हुआ है? तो उनका नाम है अनंत सितलवाड़। रेडियो कमेंट्री में अपनी खासी पहचान रखते हैं ये अंग्रेजी के मशहूर कमेंटर हैं अनंत सितलवाड़, जिनका निधन हो गया। ये 85 वर्ष के थे। सितलवाड़ के टेलीविजन युग से पहले आकाशवाणी के लिए कमेंट्री करते थे। इन्होंने यहाँ पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज व चयन समिति के अध्यक्ष विजय मैनचेस्टर के साथ भी रेडियो के लिए कमेंट्री की थी। और एक बार फिर बता देने, आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो इसके लिए आप हमारी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और सभी प्रकार की PDF को यहाँ से फ्री प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखेंगे करंट अफेयर के जो स्टेटस के GK की क्वेश्चन बनते हों क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, भारत के आयुष मंत्री कौन है? तो है श्रीपाद नायक, MOS स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। और थाईलैंड की राजधानी और उसका मुद्रा क्या है, उसका नाम बताए? तो राजधानी है बैंकॉक थाईलैंड की और उसकी मुद्रा है वो है थाई बहत। इंद्रावती राष्ट्रीय जो उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का, तो वह कनाडा में। और आखिरी क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह रोम इटली में। जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय वह रोम इटली में। उम्मीद करेंगे आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करेंगे और
वीडियो को भी लाइक करेंगे। अगर आपकी कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर अवगत कराएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।